गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम ज्योति पांडे है। मैं गोरेगांव म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल में मैथ्स पढ़ाती हूँ। आज हम गणित भाग एक का मतलब एलजेब्रा का तीसरा चैप्टर बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। इस तीसरे चैप्टर में आज हमारा प्रश्न संग्रह है 3.4। इसके पहले हम बहुपद के बारे में देख चुके हैं कि बहुपद कैसे लिखा जाता है, एक पद, द्विपद, त्रिपद क्या है, किस तरह से हम पहचानते हैं, उसमें हम गुणांक और चारांक दोनों को पहचानते हैं। बहुपद में जब आपको कोई भी पद दिया रहता है तो उसमें गुणांक और चारांक दोनों दिया रहता है, वो भी हमने इसके पहले के प्रश्न संग्रह में देखा है। किस तरह से हम बहुपद का घात पहचानते हैं, किसी भी बहुपद में जो सबसे बड़ा घात होगा वो उस बहुपद का घात होता है। उसके बाद हमने देखा कि बहुपद को मानक रूप में किस तरह से लिखते हैं। मानक रूप में लिखने के लिए सबसे बड़ा जो घात है उसे हम उसके साथ जो गुणांक और चारांक वाली संख्या है उसे हम पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटे घात को, फिर उससे छोटे घात को, और अंत में संख्या रहती है। मतलब इन शॉर्ट अगर कह दें तो मानक रूप में, जैसे अगर आपको कोई पद दिया है तो हम उसे ax² + bx + c इस तरह से लिख सकते हैं, जिसमें आपका x² x जो है वो चारांक है और ए बी सी जो संख्या रहती है वो संख्या पूर्णांक है। तो इस तरह से हम उसे मानक रूप में लिखते हैं। ये प्रश्न संग्रह शुरू करने के पहले मैं आपको इसके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। जैसे कि समझिए, हमको कोई संख्या दी गई है, जैसे 2x है। इसमें हमें, इस पद में हमें कहा गया है कि आप गुणांक पहचानिए और चारांक पहचानिए। तो 2x में जो 2 है, जो संख्या होती है, उस संख्या को गुणांक कहते हैं। और उसके साथ में जो अक्षर होता है, जैसे अक्षर की जगह ए बी सी जेड तक आप कोई भी अक्षर का उपयोग कर सकते हैं। तो कभी कभी हमें एम एन दिया रहता है, ए बी सी दिया रहता है, एक्स वाई जेड दिया रहता है, तो ये जो अक्षर रहता है इसे हम चारांक कहते हैं। जो भी संख्या है, जो भी गुण है, नंबर है, उसको हम गुणांक कहते हैं। और उसके साथ में जो अक्षर दिए रहते हैं ए बी सी, उसे हम चारांक कहते हैं। अब प्रश्न संख्या 3.4 में हमें क्या करना है, इसमें आपको गुणांक का मान दी चारांक का मान दिया होगा। चारांक का अर्थ है जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी, उसका आपको मान दिया रहेगा। आपसे कहा रहेगा कि मान लीजिए एक्स बराबर ये, मतलब उसकी जगह पे कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए x = 2 और प्रश्न में आपको बहुपद दिया है। उस बहुपद में हमें जहां जहां x लिखा है वहां वहां हम 2 लिखेंगे और उस बहुपद का मान निकालेंगे। तो इस तरह से इस प्रश्न संग्रह में हमें चार प्रश्न दिए हैं, चारों प्रश्न हमें हल करने हैं। चारों प्रश्न को हल करने का जो विधि है, जो मेथड है, वो सेम है, जो स्टेप्स हैं वो सेम है। तो अब जैसे हम सभी का टीचर कुछ ना कुछ नाम होता है, तो टीचर हम अपना नाम, मतलब हेलो हाँ जी, कुछ डाउट है आपको? टीचर प्रश्न संग्रह कितना 3.4 प्रश्न संग्रह 3.4 बहुपद पार्ट जो है उसका नाम बहुपद है, टॉपिक उसके अंतर्गत प्रश्न संग्रह 3.4 है। बोलो कि तो जैसे हम बात कर रहे थे कि जैसे हम सभी का कुछ ना कुछ नाम होता है, तो वैसे ही बहुपद जो है उसमें उसका भी नाम दर्शाने के लिए हम px, जैसे अगर आपके पद में x दिया हुआ है, x² + 4x + 3 इस तरह से संख्या दी गई है, अगर x दिया है तो वहां पे हम लिखते हैं px। जहां पे p जो शब्द है, इंग्लिश में बहुपद को पॉलिनोमियल कहते हैं, पॉलिनोमियल, तो पी वहां से पी लिया गया है। और एक्स वाई जेड जो है या ए बी सी जो भी रहेगा वो आपके बहुपद का चारांक रहेगा। तो जब हमें उस पद को दर्शाना है, उस बहुपद को दर्शाना है, तो हम कैसे लिखेंगे, px = जो बहुपद दिया है वो। अगर हमें y में दिया है तो py = जो बहुपद दिया है वो। अगर हमें m में दिया है तो pm = जो बहुपद दिया है वो। इस तरह से हम लिखते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे स्टेप्स की, ये हमारा पहला स्टेप रहेगा। दूसरा जो स्टेप है,
दूसरी जो हमारी कृति है वो क्या रहेगी कि हमें जो मान दिया है उस मान को हमें उस जगह पे रखना है। तो मैं ये प्रश्न संग्रह हम शुरू करते हैं, एक एक करके हम चारों प्रश्नों को देखेंगे। पहले मैं उसको आप एक्सप्लेन करूंगी, फिर आपको कुछ समय दूंगी कि अगर आपको प्रश्न को उतारना है अपनी नोटबुक में तो आप उस प्रश्न को उतार लीजिए। उसके बाद हम जो भी उसमें डाउट है उस डाउट को क्लियर करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना ये प्रश्न संग्रह। आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस टीचर। यस टीचर। तो अब हम ये प्रश्न संग्रह शुरू करते हैं। आपके जो भी डाउट हैं हम उन डाउट के बीच में अंत में चर्चा करेंगे। उन डाउट के बारे में जो भी आपकी शंकाएं होंगी हम सारी शंकाओं को सॉल्व करेंगे। लेकिन बच्चों आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्लास को, आप अपना माइक बंद करेंगे। प्रश्न संग्रह हम शुरू करने वाले हैं। शुरू करते समय आपके पास आपकी नोटबुक होनी चाहिए, आपका पेन पेंसिल जिससे भी आप लिखने वाले हैं वो आपके पास होना चाहिए, और जो भी डाउट है वो आप अपने उस बुक में लिख के रखिए, हम लास्ट में उस डाउट को क्लियर करेंगे। तो पार्ट 3 बहुपद। अब इस प्रश्न संग्रह में हमें क्या करना है, बहुपद का मान रखना है। ठीक है, ये प्रश्न संग्रह जो आपको दिया रहेगा उसमें बहुपद का मान निकालना है हमें। तो जैसे बहुपद के चरांकों का मान देने पर उस बहुपद का एक मान प्राप्त होता है। जैसे चरांक की बात करें, अभी हमने चर्चा की चरांक मतलब होता है एक्स वाई जेड जो भी आपको दिया है, या ए बी सी जो भी आपको दिया है वो चरांक है। तो उसमें हम चरांक का मान रखेंगे जिससे हमें उस पूरे बहुपद का उत्तर प्राप्त होगा, पूरे बहुपद का मान प्राप्त होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा उदाहरण लेते हैं हम, जिससे ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जैसे x प्लस 7, ये एक एग्जाम्पल है बहुपद का। समझिए x प्लस 7, इस बहुपद में हमें x का मान 2 रखना है। तो जहां जहां x लिखा है वहां हम 2 लिखेंगे। तो x प्लस 7 में x की जगह अगर 2 लिखते हैं और प्लस 7, 2 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 9। तो इस बहुपद का जो मान है वो हमें 9 प्राप्त होगा। उसी के साथ अगर x का मान निकालना है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि अगर x का मान निकालना है तो हम लिखेंगे px, अगर हमें a का मान निकालना है तो हम लिखेंगे pa, अगर हमें y का मान निकालना है तो हम लिखेंगे py। इस तरह से हम दर्शाते हैं। प्रश्न संग्रह 3.4 शुरू करते हैं। इस प्रश्न संग्रह में हमें पहला प्रश्न दिया हुआ है x बराबर 0 के लिए बहुपद x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमें जहां जहां x लिखा है वहां वहां हमें 0 लिखना है। x बराबर 0 के लिए बहुपद, प्रश्न जो है, जो पद है आपको पद दिया हुआ है x का वर्ग माइनस 5x प्लस 5 का मान हमें निकालना है। तो हम शुरू करते हैं। स्टेप्स जो है सारे प्रश्न में सेम स्टेप रहेंगे। जैसे यहाँ पे हम सबसे पहले प्रश्न को उतार लिए हैं, x बराबर 0 के लिए बहुपद x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 का मान ज्ञात कीजिए px। मैंने जैसे आपको बताया था पहला स्टेप हमें x में दिया हुआ है तो हम लिखेंगे px, अर्थात बहुपद x, या अंग्रेजी में जैसे मैंने कहा पॉलिनोमियल x। उसके बाद जो प्रश्न दिया है उस प्रश्न को लिखेंगे, उस बहुपद को लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। अब ये हो गया हमारा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होगा कि अब इस बहुपद में हमें x का मान रखना है। तो बहुपद में x का मान हमें 0 दिया हुआ है, कि प्रश्न में ही हमें दिया है कि आपको बहुपद में x का मान 0 रखना है। तो दूसरा स्टेप हम लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर। अब तीसरा स्टेप, जहां जहां x है वहां वहां हम क्या लिखेंगे, वहां वहां हम लिखेंगे 0। तीसरा स्टेप आप देख सकते हो, जहां जहां x लिखा है वहां वहां हम 0 लिखेंगे। जैसे px, तो इसका अर्थ है कि p 0 बराबर
जीरो का वर्ग, क्योंकि ऊपर प्रश्न में आपको x का वर्ग दिया है तो x के वर्ग की जगह पे हो जाएगा जीरो का वर्ग माइनस पांच x, मतलब माइनस पांच गुणे, अब देखो गुणा का चिन्ह हमने क्यों लगाया, पांच x आपको लिखा हुआ है, पांच जो है वो गुणांक, x जो है वो चारांक, लेकिन इन दोनों के बीच में हमें प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं दिया है, प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता, इसका अर्थ है कि उसके बीच में गुणा का चिन्ह होता है, इसलिए पांच और x के बीच में हमने गुणे का चिन्ह लगाया है। तो x का वर्ग अर्थात जीरो का वर्ग माइनस पांच x मतलब पांच गुणे जीरो प्लस पांच, ये हमने मान रख दिया, जहां जहां x दिया है वहां वहां हमने जीरो लिखा है। फिर p ऑफ जीरो मतलब पॉलिनोमियल जीरो मान रखने पर हमें प्राप्त होता है जीरो का वर्ग, शून्य का वर्ग, शून्य का वर्ग हमेशा शून्य होता है, तो शून्य का वर्ग मतलब शून्य जीरो माइनस पांच गुणे जीरो, किसी भी संख्या का अगर हम जीरो से गुणा करते हैं तो उत्तर हमें जीरो मिलता है, तो इसीलिए जब हमने पांच का गुणा जीरो में किया तो इसका उत्तर भी हमें जीरो मिलेगा। तो ये हो गया जीरो माइनस जीरो, लास्ट में आपको प्लस पांच प्रश्न में दिया है, उस पांच के साथ कुछ एक्स वाई जेड कुछ नहीं इसमें मेंशन है, तो प्लस पांच जो है वो आपका ऐसे ही रहेगा। तो जीरो माइनस जीरो प्लस पांच, तो हमने देखा ऊपर वाला जो आपका स्टेप था पी ऑफ जीरो बराबर जीरो माइनस जीरो प्लस पांच। तो अब अगला स्टेप हम देखेंगे, जीरो में से जीरो अगर घटाते हैं, शून्य में से शून्य घटाते हैं तो उत्तर शून्य होगा, तो शून्य प्लस पांच जीरो प्लस पांच, तो हमको लास्ट में उत्तर आता है p ऑफ जीरो बराबर पांच, ये हमें उत्तर प्राप्त होता है। इसका अर्थ है अगर इस बहुपद में हम x का मान जीरो रखते हैं तो उत्तर हमें पांच प्राप्त होता है। मैं ये लिखने के लिए आपको कुछ सेकंड देती हूँ, पांच दस दस सेकंड में आपको देती हूँ, आप अगर इस प्रश्न का उत्तर उतारना चाहते हैं तो आप उतार सकते हैं। आगे जो हम सारे क्वेश्चन हल करेंगे, सारे प्रश्नों को हल करते टाइम जो स्टेप्स लगते हैं वो यही लगेंगे, स्टेप आपके यही रहेंगे। तो अगर आप इसे उतारना चाहते हैं तो इस प्रश्न को आप उतार लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा समय देती हूँ। बच्चों अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, आपका दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि यदि टी वाई बराबर वाई का वर्ग माइनस तीन करनी में दो वाई प्लस एक हो तो टी मतलब पॉलिनोमियल तीन करनी में दो का मान ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न जो है वो आपसे सीधा भी पूछा जा सकता है, घुमा के भी पूछा जा सकता है, लेकिन हमारा काम क्या है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें उस प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है और फिर देखना है कि इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है। जैसे पहले प्रश्न में हमें कहा था कि x बराबर ये मान रखने पर, x बराबर जीरो मान रखने पर, लेकिन इस प्रश्न में आप देखोगे इसमें आपको ये नहीं कहा है कि आपको y का मान ये रखना है, बल्कि आपको क्या कहा है पी वाई की जगह पे आपको पी तीन करनी में दो का मान निकालना है।
इसका अर्थ है अगर हमें पी तीन करनी में दो का मान निकालना है तो y की जगह पे हमें तीन करनी में दो रखना पड़ेगा। आप देखोगे आपको दिया है पी वाई बराबर बहुपद जो है y का वर्ग माइनस तीन करनी में दो वाई प्लस एक। उसके बाद आपको कहा है पी तीन करनी में दो का मान ज्ञात कीजिए, तो मतलब पी वाई की जगह पे पी तीन करनी में दो का उपयोग किया गया है। इसका अर्थ है हमें y का मान क्या रखना है, तीन करनी में दो रखना है। तो जहां जहां y लिखा रहेगा वहां वहां हम लिखेंगे तीन करनी में दो। इस प्रश्न को भी हम हल करते हैं, इसके भी स्टेप्स देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था हमारा पहला स्टेप क्या होता है, पहले स्टेप में हम उस बहुपद को लिखते हैं। तो पी वाई बहुपद हमें क्या दिया हुआ है, पी वाई बराबर वाई का वर्ग माइनस तीन करनी में दो प्लस एक। बहुपद है जो वो हमें दिया है पी वाई बराबर वाई का वर्ग माइनस तीन करनी में दो प्लस एक। अब बहुपद में y का मान रखेंगे, y बराबर हो जाएगा तीन करनी में दो। आप देख सकते हो हमने क्या किया है, बहुपद में y बराबर तीन करनी में दो मान रखने पर हमें प्राप्त होगा जहां जहां y लिखा होगा वहां वहां हम लिखेंगे तीन करनी में दो। तो p y की जगह पे आ जाएगा p तीन करनी में दो, y के वर्ग की जगह आ जाएगा तीन करनी में दो का वर्ग, माइनस तीन करनी में दो y की जगह आ जाएगा माइनस तीन करनी में दो गुणे तीन करनी में दो। क्यों आया दो बार तीन करनी में दो, क्योंकि आप देखोगे y का वर्ग लिखा उसकी जगह पे हमने तीन करनी में दो का वर्ग लिखा, ठीक है। दूसरा आप देखोगे फिर माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लिखा। फिर प्रश्न में ही आपको एक बार तीन करनी में दो पहले से दिया हुआ है, तो उस तीन करनी में दो को हम उसी तरह से उतार लेंगे। फिर तीन करनी में दो के साथ आपको y दिया है और y का मान भी हमें तीन करनी में दो ही रखना है, तो इसलिए यहाँ पे आपका दो बार तीन करनी में दो आएगा। तो तीन करनी में दो गुणे तीन करनी में दो। अब लास्ट में आप देखोगे प्लस एक दिया हुआ है, तो वो प्लस एक वो हम लास्ट में लिखेंगे। अब उसके नीचे आते हैं आपका चौथा स्टेप जो है, तो क्या हो जाएगा p तीन करनी में दो बराबर। अब देखो जब हम वर्ग निकालेंगे तीन करनी में दो का वर्ग निकालेंगे तो एक एक करके निकालेंगे। जैसे हमें पता है तीन का वर्ग होता है तीन त्रिक नौ, तो तीन का वर्ग हो जाएगा नौ। अब करनी में दो का वर्ग, तो जब हम करनी का वर्ग निकालते हैं, करनी में जो संख्या दी गई है जब हम उसका वर्ग निकालते हैं तो करनी हट जाती है, क्योंकि जब वर्ग निकालते समय उसी संख्या का हम दो बार गुणा करते हैं। तो अगर करनी में दो का गुणा करनी में दो से किया तो उस समय क्या होगी, करनी हट जाएगी। तो तीन का वर्ग हो गया नौ और करनी में दो का वर्ग करते हैं तो करनी हट जाएगी, वहां पे सिर्फ बचेगा दो, तो ये हो जाएगा नौ गुणे दो माइनस। अब अगले पे आते हैं, अगले पे आप ऊपर देखोगे तीन करनी में दो गुणे तीन करनी में दो दिया है, तो फिर से हम करनी के बाहर की जो संख्या है उसका गुणा करेंगे और करनी के अंदर की संख्या जो है उसका गुणा अलग करेंगे। तो तीन का गुणा तीन में किया तो नौ, और करनी में दो का गुणा करनी में दो से किया तो दो, तो ये हो जाएगा नौ गुणे दो माइनस नौ गुणे दो प्लस एक। अब नीचे उसके बाद वाले स्टेप पे आते हैं हम, पी तीन करनी में दो बराबर नौ दुनी अठारह, नौ दुनी अठारह तो अठारह माइनस अठारह प्लस एक। प्लस एक कहाँ से आया, प्रश्न में आप देखोगे ऊपर प्लस एक आपको दिया हुआ है, तो नौ का गुणा दो से किया अठारह, नौ का गुणा दो से किया अठारह प्लस एक। अब अठारह माइनस अठारह, अठारह में से अठारह गए जीरो, तो अठारह माइनस अठारह ये हो जाएगा जीरो प्लस एक। तो जीरो में अगर हम एक को जोड़ते हैं तो उत्तर हमें आता है एक।
तो ये हो जाएगा आपका लास्ट आंसर जो रहेगा, जो हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था, P तीन करनी में दो, इसका उत्तर अंत में आपको मिलेगा एक। तो ये प्रश्न भी हमारा सॉल्व हो गया है। अब आप अगर इसको लिखना चाहते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा समय देती हूँ, 10 सेकंड का टाइम देती हूँ, आप इस प्रश्न के उत्तर को भी उतार सकते हैं। या बच्चों देखिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको ये प्रश्न समझ में आया है तो आप इस प्रश्न को हल कीजिए, आप मेरे मोबाइल का स्क्रीन मत देखिए, आप खुद से सॉल्व कीजिए इस प्रश्न को, खुद से मान रखिए, खुद से हल कीजिए, और उसके बाद आप लास्ट में उत्तर मिलाइए मेरे स्क्रीन से, मेरे मैंने जो हल किया है उससे आपका उत्तर सेम आ रहा है या नहीं, आप मिला ऐसे मिला के भी लिख सकते हैं। तो जिससे क्या होगा, दो चीज होगी, एक तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी गलती कहाँ हो रही है, और दूसरा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको समझेगा कि ये प्रश्न आपको, ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं ये आपको कितना समझ में आ रहा है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो अब हम इसका तीसरा प्रश्न हल करते हैं, प्रश्न संग्रह 3.4 का तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में यदि पी एम, अब देखिए पहले में जो हमें चारांक दिया था वो एक्स दिया था, दूसरे प्रश्न में जो चारांक दिया था वो वाई दिया था, तीसरे प्रश्न में जो चारांक दिया है वो दिया है पी M। तो पहले प्रश्न में जब हम हल कर रहे थे तो हमने PX लिखा था, दूसरे में हमने PY लिखा था, यहाँ पे हमको PM लिखना है। तो PM मतलब बहुपद आपको दिया है, बहुपद का मान इस प्रश्न में आपको दिया है M के घात 3 प्लस 2M स्क्वायर माइनस M प्लस 10। आपको बहुपद का मान दिया है m के घात 3 प्लस 2m का वर्ग माइनस m प्लस 10। अगर ऐसा हो तो हमें क्या निकालना है, p a प्लस p माइनस a। अगर आप प्रश्न को देखेंगे ध्यान से तो इसमें ना हमें क्या करना है, p a प्लस p माइनस a निकालना है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है बच्चों, एक बार आपको, जी बोलिए, ये 9th का कि 10th का है, बच्चा 9वीं की क्लास चल रही है तो ये 9th का है, 9th का बहुपद पार्ट 3 है एलजेब्रा, गणित भाग 1 में जो तीसरा चैप्टर है बहुपद, उसका ये प्रश्न संग्रह 3.4 का तीसरा प्रश्न चल रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रश्न, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे तो पी ए दिया हुआ है, पी ए, तो इसका अर्थ है कि पहले हमें एम की जगह पे एम बराबर ए रखना है, इसमें हमें पहले एम बराबर ए रख के मान निकालना होगा, फिर हमें एम बराबर माइनस ए रख के मान निकालना होगा, और अंत में इन दोनों को जोड़ना होगा। अब इसे हम हल कैसे करेंगे देखते हैं। अब देखिए इसमें ना सारे स्टेप सेम है, लेकिन आपको क्या करना है, दो मान रखना है, इसके पहले हम एक ही मान रखते थे, इसमें हमें दो मान रखना है। तो पहला स्टेप हमारा सेम रहेगा, पी एम पॉलिनोमियल एम मतलब बहुपद एम हमें दिया है एम के घात 3 प्लस 2m का वर्ग माइनस एम प्लस 10। पहले हमें क्या कहा था, पी ऑफ ए, तो हम क्या रखेंगे, एम का मान ए, तो m का मान a रखने पर जहां जहां m लिखा है वहां वहां हम a लिखेंगे, जैसे p m तो उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, p a, फिर बराबर का चिन्ह है बराबर, फिर m के घात 3 मतलब m की जगह आपका क्या आ जाएगा, a के घात 3 प्लस 2m का वर्ग मतलब 2a का वर्ग माइनस एम मतलब माइनस ए प्लस 10, तो लास्ट में प्लस 10 आएगा, वहां पे हम ए नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे,
क्योंकि प्रश्न में आपको लास्ट में सिर्फ गुणांक दिया है, उसके साथ चार अंक एम को नहीं लगाया गया था। तो ये आपका हो जाएगा पी ए, हमें मिलेगा पी ऑफ ए मिलेगा, पी ऑफ ए क्या मिलेगा हमें, ए के घात तीन प्लस टू ए का वर्ग माइनस ए प्लस दस। अब ये हो गया पी ऑफ ए। अब देखो प्रश्न में हमें क्या निकालना है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ माइनस ए। तो हमने एक चीज निकाल लिया है, पी ऑफ ए निकाल लिया है, अब दूसरा क्या निकालना है हमें, पी ऑफ माइनस ए, पॉलिनोमियल माइनस ए निकालना है। तो अब जहां जहां पे m लिखा है वहां वहां पे हम माइनस ए लिखेंगे। तो पहला जो m लिखा था उसकी जगह पे हो जाएगा p माइनस ए बराबर m के घात तीन, मतलब माइनस ए के घात तीन प्लस टू m का वर्ग, मतलब प्लस टू माइनस ए का वर्ग, फिर माइनस तो माइनस का चिन्ह लगेगा m, m की जगह आ जाएगा माइनस ए प्लस दस। अब हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट है जो घन में है या जो वर्ग में है उस ब्रैकेट को खोलेंगे और वो संख्या लिखेंगे। अब देखो माइनस ए का घन इसका मतलब क्या होता है बच्चों, माइनस ए का घन किसी भी संख्या का घन दिया हो तो उस संख्या को हम तीन बार गुणा करते हैं। तो माइनस ए का घन मतलब माइनस ए गुणे माइनस ए गुणे माइनस ए। अब यहां से हम माइनस का चिन्ह नहीं लगा सकते क्योंकि घात जो आपका दिया है वो विषम संख्या है। तो अगर माइनस संख्या का घात विषम संख्या है तो जो उत्तर आता है उसमें माइनस का चिन्ह ही लगता है। तो यहाँ पे माइनस ए का घात तीन जो था उसे हमें ऐसे ही माइनस ए का घात तीन लिखना होगा। दूसरा आप देखोगे टू ब्रैकेट में माइनस ए का वर्ग, तो प्लस संख्या हो या माइनस संख्या हो किसी भी संख्या का वर्ग जो है वो हमेशा प्लस में आता है, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या का वर्ग हमेशा धनात्मक होता है। इसलिए टू माइनस ए का वर्ग दिया था लेकिन वो माइनस ए का वर्ग क्या हो जाएगा, प्लस ए का वर्ग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस ए का घन प्लस टू ए का वर्ग माइनस फिर ब्रैकेट में माइनस ए, हमें मालूम है माइनस और माइनस, माइनस माइनस चिन्ह क्या होता है, प्लस होता है। तो माइनस माइनस ए वो हो जाएगा प्लस ए प्लस दस। अब हमको क्या क्या मिल गया, हमें पी ए भी मिल गया है, पी माइनस ए भी मिल गया है। अब हमारा काम क्या है, हमें पी ए और पी माइनस ए को जोड़ना है। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे हम, जो हमें प्राप्त हुआ है हम इस दोनों को जोड़ देंगे। तो पी ए प्लस पी माइनस ए बराबर पी ऑफ ए में हमें क्या मिला था, ए के घात तीन प्लस टू ए के घात दो माइनस ए प्लस दस। पी ए पॉलिनोमियल ए में हमें लिखा मिला था ए का घात तीन प्लस माइनस ए प्लस दस, फिर उसके बाद है प्लस एक, उसके बाद हमें लिखना है पी ऑफ माइनस ए, मतलब पॉलिनोमियल माइनस ए का मान। तो माइनस ए के मान, जो माइनस ए का मान आया है वो हम लिखेंगे अगले ब्रैकेट में। तो माइनस ए का मान हमें क्या मिला है, माइनस ए का घात तीन प्लस दो ए का वर्ग प्लस ए प्लस दस। अब हम इन दोनों कोष्टक को खोलेंगे, इन दोनों ब्रैकेट को खोलेंगे, तो पी ए प्लस पी माइनस ए ये बराबर होगा ए के घात तीन प्लस टू ए का वर्ग माइनस ए प्लस दस। फिर दूसरा ब्रैकेट भी खुल जाएगा, माइनस ए के घात तीन प्लस टू ए का वर्ग प्लस ए प्लस दस। अब बच्चों देखो बहुपद को जोड़ना या घटाना, हम इसके पहले प्रश्न संग्रह में, इसके पहले का जो प्रश्न संग्रह था वो उसमें हम सीख चुके हैं, जैसे हमने 3.2 में ये सारे 3.1 3.2 से हम करते आ रहे हैं, तो ये सारे प्रश्न हम पहले ही हल करना सीख चुके हैं। तो हम इसको जोड़ेंगे, जोड़ने के लिए क्या करेंगे, इसके लिए मैं एक बार आपका स्टेप रिवाइज करा देती हूँ।
जोड़ने के लिए हम जो सेम घात है, जो समान घात वाला है पद, उसको हम साथ में लिख लेंगे। तो इसमें आप देखो कि सबसे बड़ा घात हमें क्या दिया है, तीन दिया है। तो घात तीन वाले जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी पद हैं, सबको हम एक साथ लिख लेंगे। जैसे ए का घात तीन, ठीक है, पहले हमें ए का घात तीन दिया है, हम उस पूरे लाइन में जोड़ेंगे और कुछ ढूंढेंगे, कोई ए का घात तीन की संख्या और दी है क्या, तो हम देखेंगे ए के घात तीन के साथ हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ए का घात तीन। अब ए का घात तीन हो गया, अब हम आते हैं ए के घात दो पे, तो प्लस टू ए का वर्ग, और पूरे लाइन में फिर हम ढूंढेंगे कि कहीं और ए का वर्ग में कुछ दिया है, तो आप देखोगे फिर से टू ए का वर्ग, टू ए का वर्ग दो बार दिया है, तो ए के घात तीन माइनस ए के घात तीन प्लस टू ए का वर्ग प्लस टू ए का वर्ग। फिर अब देखो ए का घात तीन हो गया, ए का घात दो हो गया, अब बच्चों किसकी बारी आती है, ए के घात एक की बारी आती है। तो हम ये भी देख चुके हैं पहले कि अगर घात एक है तो उसको आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, मतलब घात एक को हमें अगर हम नहीं दिखाते हैं तो वो भी चलता है। तो हम क्या करेंगे, घात एक वाला देखेंगे, यहाँ पे दिया है माइनस से, वहां पे दिया है प्लस से, फिर लास्ट में, सबसे लास्ट में हम सिर्फ गुणांक को लिखते हैं, तो दोनों तरफ आप देखोगे गुणांक हमको 10 दिया है, तो ये हो जाएगा प्लस 10 प्लस 10। अब हमें जोड़ना या घटाना है, जो सेम चरांक वाली संख्या है, जो समान चरांक वाले हैं, उनको हमें जोड़ना या घटाना है। अब प्लस ए के घात तीन माइनस ए के घात तीन, एक संख्या प्लस में है एक संख्या माइनस में है, तो वो संख्या क्या होगी, घट के जीरो हो जाएगी या कट जाएगी। तो प्लस ए का घात तीन माइनस ए का घात तीन दोनों कट जाएगा, फिर प्लस टू ए का वर्ग प्लस टू ए का वर्ग, दो में दो जोड़ा तो क्या हो जाएगा बच्चों, चार ए का वर्ग, फिर माइनस ए प्लस ए, माइनस ए प्लस ए, यहाँ पे भी आप देखोगे सेम संख्या दी गई है, लेकिन क्या है, एक संख्या माइनस में है एक संख्या प्लस में है, अगर एक माइनस में है एक प्लस में है तो दोनों फिर से कैंसिल हो जाएगी, कट जाएगी। तो माइनस ए प्लस ए कट गया आपका, लास्ट में क्या बचा, प्लस दस प्लस दस, दोनों प्लस में है, दोनों प्लस में है, इसका अर्थ है इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो अब यहाँ पे आपका क्या क्या कैंसिल हुआ था, ए के घात तीन माइनस ए के घात तीन दोनों कैंसिल हो गया था, टू ए का वर्ग प्लस टू ए का वर्ग मतलब चार ए का वर्ग, माइनस ए प्लस ए ये भी कैंसिल हो गया, और प्लस दस प्लस दस बीस। तो अंत में आप देखोगे हमें जो उत्तर प्राप्त हुआ है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ माइनस ए बराबर चार ए का वर्ग प्लस बीस, ये हमें अंत में उत्तर प्राप्त हुआ है। तो बच्चों ये जो प्रश्न हमने देखा, ये प्रश्न जो है ये सारे स्टेप ना सेम है, जैसे हमने इसके पहले के दोनों प्रश्न हल किए उसी की तरह है, बस इसमें हमें एक्स्ट्रा क्या करना था, इसमें हमें दो मान रख के बहुपद प्राप्त करना था और उन दोनों बहुपदों को जोड़ना था। तो ऐसे प्रश्न भी परीक्षा में आते हैं, इनका जो मेथड है, इनको जो सॉल्व करने का तरीका है, ये बहुत आसान है, इसमें स्टेप्स जो है वो ज्यादा होते हैं। तो अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप इस प्रश्न को भी लिख लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा समय देती हूँ, आप ये प्रश्न भी लिख सकते हैं। बच्चों देखिए, अब देखिए प्रश्न चौथा,
तो बच्चों जैसे कि अभी हमने तीसरा प्रश्न हल किया है, उसी तरह से हम चौथा प्रश्न भी हल करेंगे। चौथे प्रश्न में हमको क्या क्या दिया हुआ है हम प्रश्न देखते हैं। मैं अपना स्क्रीन आपको शेयर करती हूँ। चौथे प्रश्न में हमें दिया है p ऑफ y बराबर 2y3 माइनस 6y2 माइनस 5y+7। तो p 2 का मान हमको निकालना है, p ऑफ 2 का मान हमको निकालना है। यहाँ पे जैसे इसके पहले था वैसे ही सेम रहेगा, बस क्या फर्क है कि जहां जहां y लिखा है वहां वहां y की जगह पे हम मान क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो p 2 मान रखने पर जहां जहां y लिखा है वहां वहां पे आ जाएगा 2। तो p पॉलिनोमियल 2 बराबर 2×2^3 मतलब 2×2^3 जहां जहां घात 3 है y है वहां वहां पे आ जाएगा 2। तो 2^3 माइनस 6y2 मतलब माइनस 6 की जगह माइनस 6y2। जैसे अभी हमने चर्चा की y की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो 2^2 माइनस 5×2+7। अब 2 की जगह 2 रहेगा, 2^2। तो बच्चों जैसे इसके पहले हमने चर्चा किया था अगर हमें वर्ग निकालना है तो हम क्या करते हैं, उस संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा करते हैं। जैसे 2^2 तो 2×2, 2^3 तो 2×2×2। तो 2^3 निकालने में 2^3 हम 3 बार करेंगे, 2^3 3 बार करते हैं तो क्या आएगा, 8। तो 2×8 माइनस 6^2, 2^2 मतलब 2×2, 2×2 क्या होता है, 4। तो -6×4 -10, 10 कैसे आया, 5×2 में किया 10+7। अब हम क्या करेंगे, 2×8=16। नेक्स्ट स्टेप आप देखोगे p2 पॉलिनोमियल 2, 2×8 में किया 16, -6×4 में किया 24, -10+7। उसको जब हम हल करते हैं 16 में से 24 घटाते हैं -8, -10+7। ये सारे स्टेप को सॉल्व करते हैं और उत्तर हमको मिलता है -11। तो इस तरह से p ऑफ 2 मतलब y की जगह पे हमने 2 मान रखा, 2 मान रख के इसका हमने उत्तर निकाला। तो अगर आपको लिखना है तो मैं थोड़ा सा टाइम आपको देती हूँ कि आप इसको लिख लीजिए। उसके बाद हम यहाँ पे ये प्रश्न संग्रह 3.4 हमारा खत्म हुआ। इसके साथ साथ आपका जो भी डाउट है, जो भी शंकाएं हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे, डाउट पूछेंगे, तो आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। तो बच्चों ये प्रश्न संग्रह जो हमारा था 3.4 ये खत्म हुआ। 4 प्रश्न थे इसमें जिसको हमने हल किया। टीचर, हेलो टीचर। हाँ बोलिए जी, बोलिए। हेलो टीचर। हाँ हाँ टीचर, इसके पहला प्रश्न संग्रह हो चुका है। हाँ बेटा, इसके पहले वाला प्रश्न संग्रह कल हो गया था, संश्लेषात्मक विधि से हल करते हैं, वो प्रश्न संग्रह कल हो चुका है। तो बच्चों इस प्रश्न संग्रह में अगर आपको कोई शंका है, कोई डाउट है, तो आप अपने डाउट को, अपनी शंका को पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है? हेलो, यहाँ पे सोनम यादव और प्रीति यादव, इन दो बच्चों ने हैंड रेज किया है, आपको कुछ पूछना है? यस टीचर। जी पूछिए टीचर। सेकंड क्वेश्चन फिर से एक बार समझा दीजिए। ठीक है,
टीचर फर्स्ट बता दीजिए आप, फर्स्ट नहीं समझ में आया मेरे को। बेटा फर्स्ट जो है वो तो सबसे आसान क्वेश्चन था, जो पहला आप बात कर रहे हैं, प्रश्न पहले की बात कर रहे हैं कि प्रश्न दूसरे की? चलिए पहले की प्रश्न का, पहला प्रश्न, पहला प्रश्न टीचर, पहला प्रश्न। हाँ, पहले प्रश्न में क्या कहा है हमको, x बराबर 0 के लिए बहुपद x का वर्ग माइनस 5x प्लस 5 का मान ज्ञात कीजिए। x बराबर 0 के लिए, तो मैंने आपको बताया x का मान 0 कहा है, तो जहां जहां x लिखा है वहां वहां हम क्या लिखेंगे, 0। तो सबसे पहले पहला स्टेप जिस तरह से हमने बात किया था, पहले स्टेप में हमारा क्या रहता है, जो पद बहुपद दिया रहता है उसे हम उसी तरह से उतार लेते हैं, जैसे p of x बराबर x का वर्ग माइनस 5x प्लस 5, उस बहुपद को हमने वैसे ही उतार लिया। अब क्या कहा है हमको, x का मान क्या रखना है, 0 रखना है। तो दूसरा स्टेप हो जाएगा बहुपद में x का मान 0 या शून्य रखने पर। अब जहां जहां x लिखा है वहां वहां हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, शून्य लिखेंगे। तो px उसकी जगह आ जाएगा p0 बराबर x का वर्ग, x के वर्ग की जगह आ जाएगा 0 का वर्ग माइनस 5x, मतलब माइनस 5 गुणे 0 प्लस 5। तो p0 बराबर 0 का वर्ग, 0 का वर्ग जो होता है वो 0 होता है, क्योंकि अगर हम 0 का वर्ग निकालते हैं तो 0 का गुणा 0 में, शून्य का गुणा शून्य में, तो उत्तर शून्य आता है। तो शून्य का वर्ग शून्य हो जाएगा माइनस 5 गुणे 0। किसी भी संख्या का अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो उत्तर 0 आता है। तो मतलब माइनस 5 गुणे 0 मतलब 0, फिर लास्ट में प्लस 5 दिया है, प्लस 5, 0 में से 0 घटाया 0 हो गया और प्लस 5 को उसी तरह से आ जाएगा। तो इसका उत्तर हमको लास्ट में मिलेगा p0। बताओ ना, समझ में नहीं आया। जी, दूसरा प्रश्न जो हमने हल किया था, मैंने आपको उस समय स्क्रीन शेयर किया था, मैंने आपको लिखने को कहा था उस प्रश्न को, आपने लिखा है। उसमें हमें क्या करना था, हमें दूसरे प्रश्न में तीन करनी में दो मान जो था वो हमें निकालना था रख के। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो आपका बहुपद दिया है उस बहुपद को हमने वैसे ही लिखा, जो हमें बहुपद दिया था उस बहुपद को हमने वैसे ही लिखा। जहां जहां हमें y दिया था वहां वहां हमें क्या लिखना था, तीन करनी में दो। तो सारा मान हमने रखा, जहां जहां y था वहां पे हमने तीन करनी में दो मान रखा और उससे हमको आंसर प्राप्त हुआ। जैसे आपका दूसरा प्रश्न था py बराबर y का वर्ग माइनस 3 करनी में 2y प्लस 1, तो जहां जहां y लिखा है वहां वहां हमने माइनस 3 करनी में 2 रखा था। अब p of y बराबर y का वर्ग माइनस 3 करनी में 2y प्लस 1। हेलो 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 टीचर, सेकंड क्वेश्चन बताओ ना। Yes, जी, मैं सेकंड क्वेश्चन ही एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। हेलो, हाँ टीचर आप बताओ। टीचर, हाँ टीचर बताओ। बच्चों मैं सेकंड क्वेश्चन ही आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, प्रश्न दूसरे में आपको जो डाउट था वही डाउट को मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। प्रश्न दूसरा जैसे अभी हमको दिया हुआ था कि उसमें हमें बहुपद एक दिया था और तीन करनी में दो हमें मान रखे, उसका मान निकालने को कहा गया था। उसी क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन को देख सकते हैं। आप मेरी स्क्रीन को देख सकते हैं, यहाँ पे पी वाई दिया है, मतलब पॉलिनोमियल वाई आपको दिया है। तो इसके लिए बहुपद आपको y का वर्ग माइनस 3 करनी में 2 प्लस 1 है, तो p 3 करनी में 2 का मान हमको ज्ञात करना है।
तो जहां जहां पे वाई लिखा है वहां वहां पे हम तीन कर्णी में दो लिखेंगे, तीन कर्णी में दो सारे जगह पे रख के हम मान निकालेंगे। तीन कर्णी में दो का वर्ग बराबर हो जाएगा नौ गुणे दो, तीन कर्णी में दो गुणे तीन कर्णी में दो होगा नौ गुणे दो प्लस एक, इसको हम हल करते हैं, अठारह माइनस अठारह, अठारह में से अठारह गया, लास्ट में उत्तर हमको एक आता है। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे। अब बच्चों यहाँ पे समय जो है टाइम टीचर मेरा नहीं हुआ है, इसके पहले जब हम ये प्रश्न हल कर रहे थे तो मैंने हाँ हाँ तो मैंने समय दिया था आपको लिखने के लिए, लेकिन अब कैसे समय का थोड़ा अभाव है, नेक्स्ट लेक्चर का हमारे टाइम हो गया है, तो कोई बात नहीं, हम अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे और उस समय जो आपका डाउट रहेगा वो डाउट हम अगले लेक्चर में क्लियर करेंगे। हेलो हेलो टीचर, मुझे ये पूछना है, ये जो सेकंड क्वेश्चन में 9 इंटू 2 किया है, हाँ, वो 2 को इंटू क्यों किया है, क्योंकि 3 का करनी में 3 वो 2 दिया है, तो करनी में 3 2 दिया मतलब 3 इंटू 3 को बराबर 9 आ जाएगा, तो 2 का क्यों किया है। देखो बच्चों, मैंने ना जब वो प्रश्न हम हल कर रहे थे उसी समय मैंने आपसे बताया था कि हमको तीन कर्णी में दो का वर्ग निकालना है, इसका अर्थ क्या है, हमें तीन का भी वर्ग लेना पड़ेगा, कर्णी में दो का भी वर्ग लेना पड़ेगा। अब तीन कर्णी में दो के बीच में कोई चिन्ह नहीं दिया है, प्लस माइनस इस तरह से कोई चिन्ह नहीं दिया है, तो इस तरह से कोई चिन्ह नहीं है, इसका अर्थ क्या है कि माइनस का चिन्ह है, सॉरी इसका अर्थ है कि गुणे का चिन्ह आवाज नहीं आ रही अच्छी। तीन का वर्ग, हेलो हेलो टीचर टीचर, तो तीन का वर्ग जो है वो 9 होगा और कर्णी में 2 का वर्ग जो है वो 2 होगा, इसलिए 3 का वर्ग 9 और कर्णी में 2 का वर्ग 2, तो हमने 9 गुणे 2 लिखा है। बच्चों अब यहाँ पे हम आज का ये लेक्चर खत्म होते हैं, आप इस पूरे प्रश्न संग्रह को अपने घर पे हल करेंगे, और इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उस क्वेश्चन को टिक करके रखिए, जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, अगला लेक्चर होगा, तो हम उस शंका पे, उस डाउट पे फिर से चर्चा करेंगे।